नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की आईपीएल 2021 से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज करके एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एक और COVID-19 पॉजिटिव केस आया, जिसके चलते भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम में हड़कंप मच गया। और उसके अलावा भी यहां पर आईपीएल 2021 से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप भी आईपीएल 2021 को एंजॉय कर रहे हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा माई इलेवन सर्कल ऐप के बारे में, क्योंकि भाई इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और साथ ही साथ यहां पर हर मैच के लिए वीवीएस लक्ष्मण राशिद खान अपने टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम उनकी टीम को हरा देती तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां पर लीडर बोर्ड में टॉप करते तो आप यहां पर 2 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो यहां पर फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई इलेवन सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से ज्वाइन करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 में कल खेले गए महामुकाबले को लेकर, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के चेपोक के मैदान पर खेला गया। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच रहा। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जरूर जीता लेकिन मैच को अपने नाम नहीं कर पाई। जी हां, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोहली की टोली को यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया लेकिन भाई कोहली की टोली की तरफ से हमें यहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। हालांकि यहां पर कप्तान विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से अच्छी पारी जरूर देखने को मिली थी, जिसके चलते टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक जरूर गई थी। 149 रन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए और 150 रनों का एक एवरेज टारगेट यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रखा था। हैदराबाद की टीम को जबरदस्त शुरुआत मिली थी। आप सभी को बताना चाहूंगा कि मनीष पांडे, डेविड वार्नर दोनों ही खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कोई भी खिलाड़ी यहां पर कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि यहां पर मनीष पांडे ने भी T20 को टेस्ट बना दिया था, 39 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली थी, जिसके चलते इस छोटे से टारगेट को भी यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नहीं जीत चेस कर पाई। और भाई यहां पर इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 6 विकेट से बहुत ही शानदार जीत दर्ज करके एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड, एक बहुत शानदार तरीके से डिफेंड करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर। जी हां, भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हमें एक बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर यह मैच होने वाला है लेकिन इस मैच से पहले इस मैच के रिगार्डिंग कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो पहला अपडेट है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को लेकर, दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में इस मैच में हमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। कगिसो रबाडा की प्लेइंग 11 में एंट्री होने वाली और यहां पर क्रिस वोक्स को बाहर किया जाएगा। टॉम कुरन को बाहर करके भी यहां पर टीम की प्लेइंग 11 में स्टीव स्मिथ की एंट्री हो सकती है। वही हम बात करते हैं यहां पर दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स की। तो भाई बेन स्टोक्स यहां पर आईपीएल 2021 से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, जिसके चलते उनको प्लेइंग 11 में लैम लिविंगस्टोन रिप्लेस करने वाले हैं। फिर उनके अलावा किसी अदर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से यहां पर एक बहुत ही बुरी खबर है। खबर कुछ ऐसी कि भाई यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी। आप सभी को बताया कि पहले इस टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल COVID-19 पॉजिटिव थे, जिसके चलते अभी तक वो लगातार टीम से दूरियां बनाए हुए हैं। टीम के साथ वो अभी तक नहीं जुड़े लेकिन भाई एंड्रिस नोरकिया जो इस टीम के प्रमुख गेंदबाज थे वो भी COVID-19 पॉजिटिव
पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते भाई थोड़ा सा दहशत भरा माहौल जरूर है, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी तक वो फिलहाल क्वारंटीन में थे भाई। कल जो उनका लास्ट टेस्ट हुआ था वहां पर वो पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद उनको दोबारा से क्वारंटीन में डाल दिया गया। 10 दिनों के बाद उनका दोबारा से टेस्ट होगा और वहां पर जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद ही दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट अपना अगला डिसीजन सुनाने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच होने वाली मीटिंग को लेकर। जी हां, कल 16 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच हमें बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच बीसीसीआई की एपेक्स मीटिंग देखने को मिलने वाली है, जहां पर उस मीटिंग के दौरान आईपीएल 2021 पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं। वही आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो इसी साल के अंत में भारत में होने वाला है, उसके ऊपर भी हमें कुछ फाइनल डिसीजंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है बेन स्टोक्स को लेकर। जी आप सभी को पता है कि भाई फिंगर इंजरी के चलते पूरे के पूरे आईपीएल 2021 से बेन स्टोक्स बाहर हो गए, और भाई यहां पर हालांकि उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो टीम को छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाएंगे, सीजन के एंड तक वो टीम के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन होगा यहां पर बेन स्टोक्स का आइडियल रिप्लेसमेंट, फ्रेंचाइजी को फिलहाल यहां पर तलाश जरूर है, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको रिप्लेस करने के लिए खतरनाक खिलाड़ी जरूर अभी तक बेंचेज पर बैठा था, जो है लैम लिविंगस्टोन। जी हां, मैं इस खतरनाक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जिन्होंने हाल ही में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल चुके, इसके अलावा बिग बैश में भी उनकी तरफ से हमें जलवा देखने को मिलता है। तो भाई कहीं ना कहीं एक आइडियल रिप्लेसमेंट यहां पर राजस्थान रॉयल्स को बेन स्टोक्स के मिलने वाले, लेकिन वो एक बल्लेबाज है, वो हमें वहां पर गेंदबाजी कराते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी राजस्थान रॉयल्स को लेकर ही है, लेकिन यह खबर राजस्थान रॉयल्स के फैंस को काफी ज्यादा खुश करने वाली है। जी खबर कुछ ऐसी कि भाई जोफ्रा आर्चर अपनी इंजरी से धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनके प्रैक्टिस सेशन की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, खुद राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें वह वीडियो देखने को मिली थी, जिसके चलते भाई अब यह लग रहा है कि आईपीएल 2021 में जोफ्रा आर्चर कमबैक करने वाले। आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी तक जोफ्रा आर्चर को आईपीएल 2021 से रूल्ड आउट नहीं किया गया है, तो ऐसे में भाई कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के फैंस को जोफ्रा आर्चर के कमबैक का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों ये आज 15 अप्रैल 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।